गाइस, मैं संगीता आर्य फ्रॉम आरजीबी। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो का नाम है लॉकडाउन का उपाय। जी बिल्कुल गाइस, मैं इसमें आपको बताऊंगी लॉकडाउन के उपाय कि किस तरीके से आप अपने समय को घर में बैठे बैठे बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए आइए, मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, जो चीजें आपको नहीं करनी है और जो चीजें आपको करनी है। तो कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, जैसे कि पहली चीज कि आपको बैड मूवीज नहीं देखनी है, बैड न्यूज ज्यादा से ज्यादा नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप बैड मूवीज देखेंगे जैसे कि दुनिया का विनाश और लाइक कुछ इस तरीके से, आप बहुत ज्यादा डीपली बैड न्यूज को अगर देखेंगे तो वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा नेगेटिव कर सकती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिजिकल बहुत ज्यादा लोग टॉर्चर हो रहे हैं, और अगर आप ज्यादातर बहुत डीपली नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं तो हमारा माइंड भी मेंटली टॉर्चर होगा। तो आपको पहली बात तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और आपको क्या देखना है, आपको ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज़, कॉमेडी रियलिटी शोज़ लाइक कपिल शर्मा के शोज़, इस तरीके की चीज़ों को देखना है। और एनिमेटेड मूवीज़ देखिए, ढेर सारी फैमिली मूवीज़ देखिए, जिससे कि आप फैमिली के साथ ढेर सारा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ गेम्स खेल के, पुराने ढेर सारे अच्छे अच्छे डम शराद एंड लाइक सोलह पर्ची, इस तरीके के काफ़ी अच्छे गेम्स खेल के आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है, आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हम दिन भर खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, इस तरीके से आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने टाइम को करना है यूटिलाइज किस तरीके से, जैसे अगर आपके पास ऑब्वियसली हर किसी इंसान के पास टैलेंट होता है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्रीज, इस तरीके की चीज़ों को आप इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, टिकटॉक, स्टार मेकर एंड पोइट्रीज के लिए नोजोटो ऐप जो होता है, इस तरीके के एप्लीकेशंस पे अपने वीडियोस को बना सकते हैं, बना के पोस्ट कर सकते हैं और अपने में इम्प्रोवाइजेशन देख सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ों को आप करके अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चीज़ गाइज, आपको कोई भी टास्क टारगेट लेके चलना है, आपको लॉन्ग टर्म टास्क नहीं लेने हैं, आपको शॉर्ट टर्म टास्क लेने हैं। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म टास्क लेते हैं तो जो ये आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, जो भी आपको मिला है, इसमें आप इस चीज़ को, उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप टास्क को लेके चलिए शॉर्ट शॉर्ट, जैसे कि आपने कोई सॉन्ग कवर, डांस कवर, इस तरीके की आपने चीज़ों को ले लिया कि मुझे कोई डांस प्रिपेयर करना है, मुझे कोई सॉन्ग प्रिपेयर करना है, या फिर इसके अलावा आप पियानो पे, कीबोर्ड पे अच्छे अच्छे म्यूजिक कवर्स देख सकते हैं। बहुत ही ऐसी चीज़ों को आप कैलेंडर पे डेज को काउंट करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं, जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई हो उनको आपको कंप्लीट करना हो इन डेज में। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो प्लानिंग और करने हैं आपको, उन सब चीज़ों के लिए पहले से जो भी आपको करना हो आगे काम, उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग और प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टास्क को अपनाइए और उनको टास्क को टारगेट समझ के कंप्लीट करिए। जैसे कि मैंने अपने लिए टास्क ले रखा है कि मैं तो सॉन्ग कवर्स अपने लिए तैयार कर रही हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे, और साथ ही अपनी मम्मा को डांस भी सिखा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस जल्द ही पोस्ट करूँगी आपके सामने। चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है नेगेटिव थिंकिंग। आपको डोंट थिंक नेगेटिव, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारे चारों तरफ की रेडिएशंस भी नेगेटिव होगी, और जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब करती है और हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचने के लिए दिन में आपको ये दो काम ज़रूर करने हैं। पहला, आपको 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है रोज़ हर दिन, और दूसरा कि आपको हर दिन 10 मिनट्स प्रेयर करनी है हर दिन। हमें डेफिनेटली ये दो काम जो हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इट डजेंट मैटर आप कोई भी रिलीजन में हो, अगर हम प्रेयर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखता है। तो गाइज, अगर हम प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसी के साथ प्रेयर भी करेंगे 10 मिनट्स, तो जितने भी डॉक्टर्स और प्रशासन हमारे लिए लगा हुआ है उनको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं उन्हें बहुत ढेर सारा गॉड। वो इस डिज़ास्टर जो आने वाले समय में, ये चीज़ बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन सकती है, इसको इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय तो ये है लॉकडाउन जो हमें मिला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर घर पर पहली बार तो हमें रहना ही रहना है। दूसरी चीज़ हमारा इससे भी बड़ा अच्छा है कि हम इस टाइम को अपना किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ आर टाइम। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा प्लीज़, जिससे कि मैं आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के शेयर कर सकूँ। सो